आठवां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार, इसे मुंडन संस्कार भी हम लोग कहते हैं। जाते हैं ना घाट पर, बाल उतरवाते हैं बच्चों के, और ये बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है, बच्चा जन्म के समय अपनी माँ की गर्भ से ही सर पर बाल लेकर आता है। मुंडन इसलिए किया जाता है जिससे वो आगे चलकर उन अनेक बीमारियों से बच सके जो इस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन मुंडन कराने का समय निश्चित होता है। बच्चे की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, पांचवे अथवा सातवें वर्ष के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इसका मुख्य कारण था बच्चे के सिर को कीड़ों से सुरक्षित करना। वैसे भी अन्न का प्रारंभ लारने के उपरांत शरीर को कीड़े अधिक प्रभावित करते हैं। यहां से बच्चे के सिर पर घी तथा दही लगाने से बाल अच्छे आते हैं और मस्तिष्क मजबूत होता है। आजकल का आदेश है यही रुकने का, लेकिन अभी आठ ऐसे महत्वपूर्ण संस्कार बाकी हैं जिनके बारे में अच्छा जीवन यदि आप जीना चाहते हैं जानना बेहद आवश्यक है, उसे मानना बेहद आवश्यक है। बच्चे के कान को छेदने से लेकर उसकी विद्या की शुरुआत, बच्चे के बड़े होने पर वह किस पदों पर आसीन हो सकता है उसका आधार, ये सब चीजें यदि विधि सम्मत तरीके से किया जाए तो बच्चा विलक्षण हो गई होगा। लिहाजा आपको सुनना होगा ये सारी बातें, करना होगा प्रचार प्रसार भारत की इस महान विद्या का, भारत की इस महान ज्ञान का।